अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि इस्लामिक बैंकिंग के हवाले से मैं मुख्तलिफ वीडियोज आजकल बना रहा हूँ, और आज की जो वीडियो है इसमें मैं आपसे बैंक इस्लामी के एक और अकाउंट के बारे में डिस्कस करूंगा। बैंक इस्लामी, जैसा कि आपको पता है कि एक जाना माना नाम है इस्लामिक बैंकिंग के हवाले से, पाकिस्तान में बहुत ज़बरदस्त इसकी प्रोडक्ट्स हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे बैंक इस्लामी के आसान अकाउंट के बारे में, आसान अकाउंट क्या है और किस तरह इसको आप ओपन करवा सकते हैं और क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और कितना आपको इस पर प्रॉफिट भी मिलेगा, तो ये तमाम चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, बगैर कोई वक्त ज़ाया किए हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर पहली दफ़ा आएँ तो काइंडली सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आपको मज़ीद इस टाइप की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मिलती रहें। तो दोस्तों, बैंक इस्लामी की वेबसाइट ओपन है हमारे पास, bankislami.com.pk। तमाम इन्फॉर्मेशन इनकी वेबसाइट से ली गई है, जो ज़ाहिर है कि ऑथेंटिक है। तो यहाँ पर हम पर्सनल के ऑप्शन में क्लिक करते हैं, पर्सनल बैंकिंग है ये, तो इसमें अकाउंट्स का ऑप्शन है, लेकिन कंज्यूमर का भी है और दूसरी चीज़ें भी हैं, लेकिन हम अकाउंट्स में जाते हैं। ये तमाम अकाउंट्स सामने आ गए, तो यहाँ पर है इस्लामी आसान अकाउंट। तो यहाँ पर आप डायरेक्ट अप्लाई नाउ पे अगर क्लिक करें तो आपके सामने एक छोटा सा ये एक फॉर्म ओपन हो जाता है, इनिशियल फॉर्म, इसे आप फिल कर सकते हैं ऑनलाइन और इसको सबमिट कर सकते हैं, तो जो बैंक का नुमाइंदा है बैंक इस्लामी का, वो आपसे रब्ता कर लेगा और आपको मज़ीद गाइडेंस फराहम कर देगा। अप्लाई करने से पहले जान लेते हैं कि मज़ीद क्या क्या डिटेल्स हैं इस्लामी आसान अकाउंट की, तो लर्न मोर पे क्लिक करता हूँ। इस्लामी आसान अकाउंट जो है, इसकी कोई मिनिमम बैलेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, और जिस तरह इनके करंट अकाउंट और बचत सेविंग अकाउंट या सहूलत अकाउंट है बिल्कुल उसी तरह ये वर्क करेगा। मज़ीद लिखा है कि इस्लामी आसान अकाउंट एम्स टू फैसिलिटेट कस्टमर्स विथ इन इंक्रीज लेवल ऑफ कन्वीनियंस, ऑल अ कस्टमर नीड टू डू इज। तो आपको करना यह है कि विजिट द नियरेस्ट बैंक इस्लामी ब्रांच, सबमिट अ कॉपी ऑफ CNIC और SNIC, फिल अ वन पेज आसान अकाउंट फॉर्म, सबमिट अ बायोमेट्रिक इमेज थंब इम्प्रेशन फॉर ओपनिंग दिस अकाउंट। सिर्फ आपने ब्रांच विजिट करनी है, अपना शनाख्ती कार्ड शो करना है और A1 पेज इनका फॉर्म है वो फिल करना है और अपने फिंगरप्रिंट्स वेरीफाई करने हैं, उसके बाद आपका अकाउंट फौरी तौर पर ओपन कर दिया जाएगा। और इस अकाउंट को ओपन करवाने के बाद आपको जो बेनिफिट्स मिलेंगे वो 25,000 रुपये रखने से स्टार्ट हो जाते हैं, अगर आपका मिनिमम बैलेंस 25,000 रुपये है। जैसा कि मैंने DP में भी बताया कि कम से कम 6.5% तक जो है प्रॉफिट अनाउंस किया गया था लास्ट मंथ जून में, तो एक अच्छा प्रॉफिट रेट भी ऑफर किया जा रहा है। अच्छा जी, जैसा कि बताया कि नो मिनिमम बैलेंस ऑन ऑपरेटिंग द अकाउंट, सिंगल अकाउंट भी आप ओपन कर सकते हैं, ज्वाइंट अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं, हलाल प्रॉफिट आपको मिलेगा मंथली बेसिस के ऊपर, और 5 लाख की इसमें लिमिट है कि टोटल डेबिट जो है यानी 5 लाख रुपए तक आप निकलवा सकते हैं और क्रेडिट बैलेंस जो है वो भी 5 लाख तक रख सकते हैं। वन पेज फॉर्म ओपनिंग है और पे पार्क का आपको कार्ड मिलेगा, डेबिट कार्ड, चेक बुक टू बी इशूड ऑन रिक्वेस्ट, फ्री ई स्टेटमेंट फैसिलिटी है, फ्री SMS अलर्ट है, फ्री चेक बुक है, फ्री पे ऑर्डर होगा। थोड़ा सा जान लेते हैं हाउ इट वर्क्स के बारे में कि ये अकाउंट कैसे वर्क करेगा। बेसिकली ये एक मुदारबा बेस्ड आपकी इन्वेस्टमेंट है जिसपे बैंक आपके साथ पार्टनरशिप करता है और आपको आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उसको मुख्तलिफ पूल्स के अंदर वो इन्वेस्ट करके मुनाफा कमाता है और मुनाफे को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है 50-50 के हिसाब से कस्टमर और बैंक के बीच में। बाकायदा फतवा भी मौजूद है कि ये एक हलाल और सूद से पाक इस्लामी आसान अकाउंट है। और डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड हैं, तो डॉक्यूमेंट्स में सिर्फ और सिर्फ आपको शनाख्ती कार्ड चाहिए जिसकी बुनियाद पे अकाउंट ओपन होगा। कुछ इसके FAQs भी देख लेते हैं जो ज़रूरी हैं। एक इसमें सवाल ये हो सकता है कि कैन अ बैंक ओपन आसान अकाउंट ऑफ नॉन रेजिडेंट ऑफ फॉरेन नेशनल्स। तो जनाब, नो आसान अकाउंट इज मीन फॉर रेजिडेंट इंडिविजुअल हैविंग पाकिस्तानी नेशनलिटी ओनली, यानी कि फॉरेन नेशनल जो हैं वो ये अकाउंट नहीं खुलवा सकते, उनको फिर कोई दूसरा अकाउंट ओपन करवाना होगा। एक सवाल ये हो सकता है कि आर आउटवर्ड रेमिटेंसेज अलाउड इन आसान अकाउंट, तो इसका जवाब इन्होंने ये दिया है कि नो, हाउएवर इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन थ्रू डेबिट कार्ड शैल बी परमिटेड विद इन द एप्लीकेबल लिमिट ऑफ 5 लाख। तो आउटवर्ड रेमिटेंसेस तो नहीं अलाउ है, लेकिन 5 लाख के अंदर जो है वो डेबिट कार्ड के जरिए आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट सवाल यह है कि इन आप ज्वाइंट अकाउंट इफ़ वन पर्सन इज नॉन रेजिडेंट और फॉरेन नेशनल, कैन बैंक ओपन अ ज्वाइंट अकाउंट ऑफ एप्लीकेंट्स। तो अगर एक ज्वाइंट अकाउंट होल्डर में से जो बंदा है वो गैर पाकिस्तानी है तो वो अकाउंट नहीं ओपन करवा सकता ज्वाइंट अकाउंट,
यानी दोनों का पाकिस्तानी होना लाजमी है ज्वाइंट अकाउंट खुलवाने की सूरत में। एक और चीज़ यह है कि इफ़ अ ज्वाइंट अकाउंट एप्लीकेंट ऑफ आसान अकाउंट इज़ ऑलरेडी मेंटेनिंग अ रेगुलर अकाउंट इन बैंक इस्लामी शुड बी बैंक एक्सेप्ट हिज हर एज ज्वाइंट अकाउंट होल्डर। तो अगर कोई और बैंक अकाउंट भी ओपन है किसी का बैंक इस्लामी में तो वो आसान अकाउंट नहीं खुलवा सकता, यानी उसका अगर कोई रेगुलर अकाउंट है तो वो आसान अकाउंट के एलिजिबल नहीं है। व्हाट मेक्स इस्लामी आसान अकाउंट शरिया कंप्लाइंट? तो जनाब बिल्कुल ही शरिया कंप्लाइंट है। व्हाट इज़ रिलेशनशिप बिटवीन एन इस्लामी आसान अकाउंट होल्डर एंड बैंक इस्लामी? तो रिलेशनशिप क्या होगी अकाउंट होल्डर की और बैंक इस्लामी की? तो इसमें जो अकाउंट होल्डर होगा आसान अकाउंट होल्डर वो एज ए रब्बुल माल कहलाएगा, यानी वो ऑनर है, और मुदारिब जो है वो बैंक कहलाएगा जो एज ए मैनेजर आपके उस फंड को आपके उस इन्वेस्टमेंट को आगे इन्वेस्ट करेगा। तो ये इसमें रिलेशनशिप है बैंक और कस्टमर का, और जैसा कि मैंने पहले बताया कि जो प्रॉफिट या लॉस है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। अच्छा, मैं ये तमाम FAQs तो नहीं बता रहा आपको, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है सिर्फ वही बता रहा हूँ। हाउ मैनी ट्रांजेक्शन आर अलाउड ऑन एन इस्लामिक बचत अकाउंट? तो इसमें अनलिमिटेड ट्रांजेक्शन हैं। अच्छा, बेसिकली इन्होंने इस्लामी बचत अकाउंट लिख दिया है, लेकिन यहाँ पर जो इस्लामी आसान अकाउंट है उसके लिए भी यही है कि अनलिमिटेड ट्रांजेक्शन आप कर सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। अब हम बताते हैं प्रॉफिट रेट का कि कितना प्रॉफिट मिल रहा है आसान अकाउंट होल्डर को। तो मैंने एक और विंडो में इसको ओपन किया हुआ है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ ये कहाँ से मिलेगा आपको। आप ये अकाउंट्स में जब जाएंगे तो यहाँ पर आपको ये देखिए रेट्स का ऑप्शन दिया हुआ है, इस पर आप क्लिक कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए लिखा है डिक्लेयर्ड रेट्स जून, ठीक है। तो ये मैंने ओपन किया हुआ है, ये देखिए सबसे ऊपर ही इन्होंने शो किया हुआ है इस्लामी आसान सेविंग मंथली एवरेज। तो इस पे जो ये प्रॉफिट दे रहे हैं वो दे रहे हैं जनाब 6.50%। तो ये आप देख सकते हैं कि एक अच्छा प्रॉफिट है। आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को यहाँ पर लगा सकते हैं, अपना ये अकाउंट ओपन करवा सकते हैं और हलाल मुनाफा, सूद से पाक मुनाफा आप कमा सकते हैं। हर महीने का जो प्रॉफिट है वो बैंक की वेबसाइट के ऊपर भी अपडेट होता रहता है। ये देखिए मई का भी इन्होंने दिखाया हुआ है, ये भी हम एक चेक कर लेते हैं कि मई में इन्होंने इस अकाउंट पे कितना प्रॉफिट दिया। इस्लामी आसान सेविंग मंथली एवरेज 7.25% दिया था, यानी मई में इन्होंने ज़्यादा प्रॉफिट दिया है जून की बनिस्बत। तो ये कम ज़्यादा होता रहता है, लेकिन फिर भी एक अच्छा मुनाफा है। आपकी जो इन्वेस्टमेंट या आपके जो पैसे हैं जो आपने घर में रखे हुए हैं और वो फ्रीज हैं और उनकी वैल्यू भी वक्त के साथ साथ कम होती जा रही है, तो उसमें इजाफे के लिए आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और बैंक इस्लामी से रابطہ करके ये अकाउंट आप ओपन करवा सकते हैं, बैंक इस्लामी आसान अकाउंट। तो दोस्तों आज तक के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग मेरा यूट्यूब चैनल। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।